मृत्यु के समय जीव और उसके शरीर के साथ क्या घटित हो रहा होता है ये वहाँ उपस्थित अन्य लोगों को अंदाजा नहीं लग पाता, लेकिन घटनाएं तेजी से घटती रहती हैं। मृत्यु की दहलीज पर खड़े व्यक्ति की सबसे पहले वह केंद्रीय उसके मन में विलीन हो जाती हैं। उस समय वह अपने मन ही मन में विचार कर सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। उसके बाद दृशेंद्रिय और फिर कर्णेन्द्रिय भी मन में विलीन हो जाती हैं। उस समय वह न देख पाता है, न सुन पाता है और न ही बोल पाता है। उसके बाद मन इन इंद्रियों के साथ प्राण के अंदर विलीन हो जाता है। उस समय सोचने समझने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है, केवल श्वास प्रश्वास चलती रहती है। इसके बाद सबके साथ प्राण जीव के सूक्ष्म शरीर के भीतर प्रस्थान करता है। फिर जीव सूक्ष्म रूप से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यानी पंच चेतन मात्राओं का आश्रय लेकर हृदय देश से निकलने वाली 101 नाड़ियों में से किसी एक में प्रवेश करता है। हृदय देश से कुल 101 नाड़ियां निकली हुई हैं। मौत के समय जीव इन्हीं में से किसी एक नाड़ी में प्रवेश करके देह त्याग करता है। मोक्ष प्राप्त करने वाला जीव जिस नाड़ी में प्रवेश करता है वे नाड़ी हृदय से मस्तिष्क तक फैली हुई है। जो मृत्यु के समय आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं हो रहे होते वे जीव किसी दूसरी नाड़ी में प्रवेश करते हैं। जीव जब तक नाड़ी में प्रवेश नहीं करता तब तक ज्ञानी और मूर्ख दोनों की गति एक ही तरह की होती है। नाड़ी में प्रवेश करने के बाद अलग अलग तरह की गतियां हो जाती हैं जीवों की। शंकराचार्य जी का कथन है कि जो लोग ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करते हैं वे मृत्यु के बाद देह ग्रहण नहीं करते बल्कि मृत्यु होते ही उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। श्री रामानुज स्वामी जी का कहना है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने पर भी जीव देव्यान पथ में गमन करने के बाद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और फिर मुक्त हो जाता है। देव्यान पथ के संदर्भ में शंकराचार्य जी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जो लोग सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं वे ही देव्यान पथ में जाकर सगुण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और जो लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करते हैं वे लोग देव्यान पथ से नहीं जाते। अग्नि के सहयोग से जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है उस समय सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं हुआ करता। मृत्यु के समय स्थूल शरीर का जो भाग थोड़ा गर्म महसूस होता है वास्तव में उसी स्थान से जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ देह त्याग करता है, इसीलिए वह स्थान थोड़ा गर्म महसूस होता है। वास्तव में जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनकी मृत्यु रात में हो या दक्षिणायन में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, यानी वो काल के प्रभाव से ऊपर उठ चुके होते हैं। भगवद गीता के अनुसार जो लोग मृत्यु के अनंतर देव्यान पद से गति करते हैं उनको अग्नि और ज्योति नाम के देवता अपने अपने अधिकृत स्थानों के द्वारा ले जाते हैं। उसके बाद हथवा दिवस के अभिमानी देवता ले जाते हैं। उसके बाद शुक्ल पक्ष के देवता तथा उत्तरायण के देवता ले जाते हैं। थोड़ा स्पष्ट शब्दों में कहें तो देव्यान पथ में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकृत देश आता है, फिर दिवस देवता, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, वत्सर, वायु और फिर आदित्य देवता का देश आता है। देव्यान मार्ग इन सब देवताओं के अधिकृत देशों से होकर गुजरता है। उसके बाद चंद्र, विद्युत, वरुण, इंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्म क्रमशः इनके देश पड़ते हैं। जो ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो इस मार्ग से जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो अपने अभीष्ट के अविनाशी धाम जाते हैं। परंतु जो लोग ईश्वर की पूजा पाठ नहीं करते और उनमें भक्ति रखते हैं लेकिन परोपकारी कार्य जैसे दान आदि पुण्य कर्म करते हैं वे मृत्यु के बाद देव्यान मार्ग से नहीं जाते बल्कि पितृयान मार्ग से जाते हैं और उच्च लोकों में जन्म लेकर वहां के ऐश्वर्य सुख भोगते हैं, लेकिन उनका पुनर्जन्म होता है। पितृयान मार्ग से भी चंद्र लोक जाना पड़ता है लेकिन वो रास्ता थोड़ा अलग होता है। उस पथ पर धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन आदि देवताओं के अधिकृत देश पड़ते हैं, अर्थात ये सब देवता उस जीव को अपने अधिकृत स्थान के मध्य से ले जाते हैं। चंद्रलोक कभी तो बहुत गर्म रहता है और कभी अतिरिक्त शीतल हो जाता है। वहाँ अपने स्थूल शरीर के साथ कोई मनुष्य नहीं रह सकता लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जो मृत्यु के बाद मिलती है वे वहाँ चंद्रलोक में रह सकता है। जो ईश्वर की पूजा नहीं करते, कोई परोपकार भी नहीं करते, जो केवल इंद्रिय सुख भोग में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं वे लोग मृत्यु के बाद ना तो देव्यान पथ से जाते हैं और ना ही पितृयान पथ से, बल्कि वे कीट पतंग या पशु योनि जैसी उनकी आसक्ति या वासना हो में बार बार यहीं जन्म लेते हैं और यहीं मरते हैं। जो लोग अत्यधिक पाप करते हैं, निरीह और असहायों को सताने में जिन्हें आनंद आता है, ऐसे नराधमों की गति मृत्यु के बाद निम्न लोकों यानी नर्क में होती है। वहाँ ये जिस स्तर का कष्ट दूसरों को दिए होते हैं उसका 10 गुना कष्ट पाते हैं।
विभिन्न प्रकार के नरकों का वर्णन भारतीय पौराणिक ग्रंथों में दिया हुआ है। यद्यपि भारतीय ग्रंथों के अनुसार नरक में प्राणी हमेशा नहीं निवास करते, बल्कि नरक में कष्ट भोगते भोगते उन पापियों का पाप नष्ट होने लगता है। अंत में उन पापों के जलकर भस्म हो जाने पर जीवात्मा पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेता है और पुनः उसके पास इस ब्रह्मांडीय सफर में उन्नति करने का और आगे बढ़ने का अवसर होता है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।